हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सैफ अशोक स्ट्रीट में एक नई रेसिपी के साथ में। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन तो आपने बहुत ट्राई किया होगा, और बात जब डेजर्ट की आती है और उसमें गुलाब जामुन होता है तो मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी कड़ी के अंदर आज हम लेके आए आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन, सूजी के गुलाब जामुन। मावे गुलाब जामुन तो आपने बहुत ट्राई किया होगा, एक बार सूजी के गुलाब जामुन ट्राई करके देखिए। ये भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही आसान विधि से हम इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और मैं मिलकर बनाते हैं सूजी के गुलाब जामुन। मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई गैस पर रख दी और साथ में मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना घी। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ मिल्क। घी हल्का सा मेरा गर्म हो गया तो अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर लेता हूँ। मिल्क मैंने यहाँ पर 3 छोटी कटोरी लिया है और यही नाप हमारा सूजी में भी रहेगा। चलिए अब हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, जब तक हमारा एक मिल्क में एक उबाल नहीं आ जाए तब तक हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। मिल्क में हमारा उबाल आ चुका है तो मैं इसके अंदर डाल दे थोड़े से केसर के रसे और थोड़ा सा इलायची पाउडर। 1 मिनट जितना हम इसे और चलाते रहेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सूजी। सूजी मैंने यहाँ पर यह 1.5 कटोरी लिया है, जितना 3 कटोरी मिल्क लिया था तो उसका आधा हम यहाँ सूजी ले रहे हैं। सूजी हम एक साथ में इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें सूजी डालेंगे और कंटिन्यू मिल्क को हिलाते रहेंगे। इससे क्या हमारी सूजी एक जगह कहीं पर भी घाटे नहीं बंधेगी। वैसे मैंने यहाँ पर सूजी बारीक वाला सूजी लिया है। सूजी भी हमारे 2 प्रकार की आती है, एक बारीक वाली, एक उससे थोड़ी मोटी वाली। आप चाहे तो सूजी को कप से भी नाप सकते हैं, जितनी हमारी सूजी रहेगी उससे डबल हमारा मिल्क रहेगा। चलिए सूजी मैंने सारी डाल दी है, अब इसे कंटिन्यू मैं लगातार स्लाइसर की सहायता से चलाता रहूँगा। लगातार स्लाइसर की सहायता से चलाता रहूँगा इसे, ताकि जिससे सूजी अच्छे से पक के गुलाब जामुन का मावा के लिए तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक लगातार मैं इसे चलाता रहूँगा। 3 मिनट के अंदर हमारी सूजी मावा बन के आराम से तैयार हो जाएगी गुलाब जामुन के लिए। कैसे पता चलेगा कि हमारी सूजी पक के तैयार हो गई? तो जब सूजी हमारी पलटे या चम्मच के साथ में जब चलने लग जाए, नीचे नीचे चटे, तो फ्रेंड्स हम समझ सकते हैं कि हमारी सूजी पक के तैयार है। और दूसरा, हाथ में लेके भी हम इसे चेक कर सकते हैं, हमारे हाथ की अगर ये नहीं चिपकेगी तो भी हम समझ सकते हैं हमारी सूजी पक के तैयार हो गई। चलिए मेरी सूजी पक के तैयार हो गई मावे के लिए। मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेता हूँ। एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट देखिए मावा हमारा बन के तैयार है। चलिए अब मैं बना लेता हूँ चाशनी। चाशनी के लिए एक तपेली मैंने गैस पर चढ़ा ली और इसके अंदर 2.5 कटोरी मैंने शुगर ऐड कर लिया और साथ में मैं इतना ही 2.5 कटोरी पानी डाल दूंगा इसमें। चलिए मैं गैस ऑन कर लेता हूँ और साथ में फिर इसे एक चम्मच की सहायता से चाशनी को हिलाता रहूँगा। शुगर हमने 2.5 कटोरी इसलिए लिया कि चाशनी हमें थोड़ी सी ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने 2.5 कटोरी लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देता हूँ। 8 से 10 रेसे केसर के डाले मैंने इसे। इससे क्या होगा, गुलाब जामुन का कलर और अच्छा आएगा। चाशनी जो कलर रहेगा उससे गुलाब जामुन का कलर भी अच्छा सा आएगा। चलिए चाशनी के अंदर उबाल आ गया। अब मैं इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक और चलाऊंगा। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करने का हमें चाशनी, और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने का है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, चाशनी के अंदर हल्का हल्का सतार बनने लग गया तो हमारी चाशनी गुलाब जामुन के लिए तैयार हो गई। तो मैं इसे गैस ऑफ कर देता हूँ और इसे ठंडा करने रख देते हैं। करीब 10 मिनट तक हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन डालेंगे। सूजी गुलाब जामुन के लिए चाशनी हमेशा हमारी ठंडी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। एकदम गर्म रहेगी तो उसके अंदर गुलाब जामुन बैठ जाएगा, उसके गाल बैठ जाएंगे गुलाब जामुन के। चलिए कढ़ाई के अंदर मैं तेल डाल दिया और उसे गर्म करने रख दिया। साथ में एक परात के अंदर मैंने जो अपना मावा था उसको रख लिया और इसे हम अच्छे से मालिश करेंगे। साथ में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर और हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना घी। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखने का है कि जो हमारे सूजे गए मावा है ये हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, तभी हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया उस समय अगर हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे तो कभी नहीं बनेंगे और फटेंगे गुलाब जामुन। इसीलिए हल्का हल्का जब गर्म हो तभी इसके अंदर हमें इसका वो गुलाब जामुन बनाने का है। चलिए हमारा गुलाब जामुन मावा तैयार है। मैंने 2 मिनट जितना इसकी अच्छे से मालिश कर दी, देख कहीं भी हमारे हाथ की चिपक नहीं रहा है और एकदम हमारा मावा गुलाब जामुन के लिए तैयार है।
तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके गुलाब जामुन। सबसे पहले थोड़ा सा मावा ले लेते हैं और इसकी लोई तोड़ देते हैं। गुलाब जामुन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें इसकी एक एक लोई एक ही साइज़ की तोड़ देने की है पहले से ही, नहीं तो क्या साइज़ डिफरेंस रह जाती है। चलिए अब मैं इसे अच्छे से गोल गोल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं आराम से स्मूथली अच्छा सा गोल गोल हो रहा है और कहीं से भी ना कट रहा है ना फट रहा है ये, क्योंकि हल्का हल्का सूजी का मावा हमारा गर्म रहेगा तब भी ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो ये प्रोसेस कभी नहीं हो पाएगा। ये बात का विशेष तौर पे इसमें ख्याल रखने का फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटी सी लो गुलाब जामुन का पीस तेल के अंदर डाल के चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारा तेल ठंडा तो नहीं है, क्योंकि ठंडे तेल में हम डालेंगे तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसलिए सूजी गुलाब जामुन बनाते समय विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा तेल थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। वैसे नॉर्मली हम मावे के गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें तेल हम थोड़ा सा ठंडा रहता है वो तभी डालते हैं, लेकिन सूजी गुलाब जामुन के अंदर थोड़ा तेल हमें गर्म रखना होगा। चलिए मैंने इसे गर्म तेल के अंदर डाल दिए और अब मैं इसे हल्के हल्के स्लाइसर की सहायता से या किसी भी चम्मच की सहायता से हम इसे चलाते रहेंगे, हर थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, या फिर आप तेल को ही चलाते रहेंगे तो भी अच्छा है। दो बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखने का फ्रेंड्स, तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे बन पाएंगे। चलिए गुलाब जामुन का बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, मैं इतने ही कलर के अंदर इसे निकाल रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी कलर ला सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छा और स्मूथ कलर आ चुका है हमारा। ये देखिए शानदार गुलाब जामुन एक ही साइज के अच्छे से बन के हमारे तैयार है सूजी के। आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सूजी के गुलाब जामुन है या मावे के गुलाब जामुन है। चलिए मैंने इसे चाशनी के अंदर डाल दिया और 10 मिनट जितना मैं इसे चाशनी पिलाऊंगा। चाशनी 10 मिनट हो चुका है, चाशनी पी चुके हैं हमारे गुलाब जामुन और इतने सॉफ्ट और स्मूथ गुलाब जामुन बने हैं। देखो इतने टेस्टी, आप बिलीव नहीं करोगे ये सूजी के गुलाब जामुन है और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। चलिए इसके ऊपर हल्की हल्की गार्निश कर देते हैं, हम आलमंड डाल देते हैं और सर्विंग के लिए तैयार है हमारे गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने स्मूथ और टेस्टी गुलाब जामुन बने हैं हमारे। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे सूजी गुलाब जामुन की रेसिपी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।